ये एलपीसी इशू हुआ है अगस्त 2011 में और इसको 2010 में अप्लाई किया था ये एलपीसी का। इसका एलपीसी का टोटल एरिया हेक्टर है 6668.75 स्क्वायर मीटर, वो ये इस साइड का है, उस साइड का और एलपीसी अलग सा है। तो हम लोग ये कह रहा है कि ये रेवेन्यू तो हम लोग अप टू डे 2019 तक दे रहा है। तो स्टेट गवर्नमेंट और ये जो यहाँ का जो सिविल एविक्शन का डिपार्टमेंट जो डायरेक्टर साहब है, उसने भी लास्ट 5 इयर्स 6 इयर्स से जब भी इधर में कंस्ट्रक्शन होता है वो खुद आता है, बोलता है कि आप हाइट को 2 स्टोरेज बिल्डिंग से हाइट उठाना नहीं है, वो प्लेन जो लैंडिंग में तकलीफ होता है 2 स्टोरेज बोला। वेरस की फ्रॉम स्टार्टिंग जहाँ से डिसमेंटल किया है स्ट्रक्चर को और यहाँ तक लास्ट तक जहाँ मेरा घर पड़ता है, यहाँ तक अभी तक कोई 2 स्टोरेज नहीं बनाया। अदरवाइज कोई लोग फर्स्ट स्टोरेज सिर्फ बनाया, फर्स्ट फ्लोर तक बनाया, कोई लोग कच्चा घर। तो हम लोग का सवाल ये है कि सिविल एविक्शन जो है बोलता है कि आप बनाइए कच्चा घर बनाइए, जो पक्का घर बनाइए, लेकिन हाइट को मेंटेन कीजिए, ये उधर से क्लियर डायरेक्शन है। वेरस की डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट कोर्ट करता है कि 100 मीटर रेडियस में आप लोग कुछ भी नहीं करना है। तो कुछ भी नहीं करना है का मतलब हम लोग बोला है कि तब तो एलपीसी क्यों इशू किया है। तो एलपीसी इशू किया है तो ज़मीन, अगर आदमी का पास ज़मीन है और दूसरा ज़मीन नहीं है तो वो पहले घर बनाएगा ना खेती बनाएगा, ये बहुत बड़ा सवाल है। सबसे पहले आदमी तो अपना घर बनाएगा ना, अगर मेरा पास एलपीसी है तो पहले घर बनाएगा, उसका बाद हम कुछ ज़मीन बच गया तो खेती बनाएगा। अभी एलपीसी दिया सिर्फ खेती के लिए बोलने से तो ये तो नाइंसाफी होगा, इनजस्टिस होगा हम लोग पब्लिक के लिए। और जब भी सिविल एविक्शन में बार बार दोहरा रहा हूँ, जब भी सिविल एविक्शन का जो डायरेक्टर है उनको जब भी हम लोग मिला है वो हमेशा कहा है कि हम लोग हमेशा कहा है कि लैंड हम लोग रेडी है सेल करने के लिए, आप तो ले लीजिए 100 मीटर का है बोलने से, लेकिन उन लोग कभी कंपनसेट के लिए बात करने से कभी आता नहीं है। तो हम लोग तो हमेशा कहता है कि अभी भी रेडी है, मजिस्ट्रेट को भी हम लोग ने हियरिंग में भी बोला है, अब हम लोग का लैंड का कीमत दीजिए, स्ट्रक्चर का कीमत दे दीजिए, हम लोग 1-3 आवर्स में हम लोग ये कर देगा, लैंड को छोड़ देगा, एग्रीमेंट कर देगा बोल के मजिस्ट्रेट का कोर्ट में हम लोग बात किया है। तो ये बात भी ऑन रिकॉर्ड है, आप लोग मीडिया भी जाके देख सकते हैं। कल इधर हेलीपैड का पीछे भी एविक्शन हुआ, इसलिए हम बहुत दुख के साथ में मीडिया में हम बता रहे, ये जगह जो हम लोग का अपना प्राइवेट लैंड है, एलोटमेंट है, हम लोग एलपीसी है, बहुत सालों से हम लोग खेती करके गए हैं और आपका हेलीपैड का बाउंड्री में हम लोग इनक्रोचमेंट नहीं किया है, आपका बाउंड्री क्लियर है हेलीपैड का ना, लैंडिंग और ये टेक ऑफ का एक ही है आपका जगह डायरेक्शन, अगर आप करता है तो चारों तरफ में आप एविक्शन करना चाहिए, नॉर्थ ईस्ट वेस्ट में, एक तरफ में क्यों किया, गरीब को देखे क्यों किया है, वो बड़ा बड़ा बिल्डिंग क्यों नहीं तोड़ा है, ये गवर्नमेंट को हम सवाल पूछता है। और मजिस्ट्रेट जो है आप नोटिस करना है तो थोड़ा पब्लिक को टाइम देना है, गरीब को ना आपका सामान को बेकित करो बोल के इतना कल हियरिंग बुलाया, हियरिंग में बोलने भी नहीं दिया, आके तारीख तोड़ा है, और गरीब का कितना खून पसीना का ये कमाई है, आप प्यार करना चाहिए पब्लिक को, समझाना चाहिए, आप ऑफिसर है, आप गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट पब्लिक को केयर नहीं करेगा तो कौन करेगा। अभी गवर्नमेंट को हम अरुणाचल गवर्नमेंट को जो मजिस्ट्रेट को एविक्शन किया उसको हम अपील करता हूँ, अगर आपका ये दिकदारी लगता है तो आपका हेलीकॉप्टर का तो दिकदारी लगता है तो आपका डिस्टर्ब होता है, आप ये जितना 9 मेंबर का एविक्शन किया वो जमीन आप ले लीजिए और लोग का दाम को दे दीजिए, नहीं तो हम लोग बनाएगा फिर बनाएगा, आप लोग तोड़ते रहो हम लोग बनाते रहेगा, अपना जमीन है अपना बनाएगा है, वो लोग कहाँ रहेगा, अभी रेनी सीजन में बच्चा है बीमार है वो लोग कहाँ जाएगा और वो लोग कहाँ भेजेगा, आप लोग जगह दिखा दो बैठने के लिए, वो पब्लिक है एकदम गरीब लोग है उसको झोपड़ी को तोड़ देगा, आप लोग बंगला में बैठ के हंस मुख को बैठेगा, वो ठीक नहीं है, अच्छा काम नहीं किया, आप बेकिन करो बोल रहे हैं, गौर कंस्ट्रक्शन आगे आप कंट्रोल करना चाहिए, मत बना बोल के ना, 100 मीटर नोटिस है, चार तरह में है, चार इस तरह में क्यों बनाने दिया, इस तरह क्यों, और बड़ा पावर है बड़ा पैसा है वो कौन एक्शन नहीं किया, गरीब लोग आप लोग का रूल सिर्फ है क्या, सिर्फ गरीब को आप लोग डैमेज करेगा तोड़ेगा हंसी देगा ये बात नहीं है, आप गवर्नमेंट को हम लोग रिक्वेस्ट है जल्दी आप लोग फैसला करो, नहीं तो हम लोग बनाते रहेगा, आप लोग तोड़ते रहो हम लोग बनाते रहेगा, हम लोग बिल्डिंग और बनाने नहीं सकेगा, झोपड़ी बनाते रहेगा,
और अपना राइट है एलपीसी है, हम लोग दिखाएगा आपका ये वॉल को, हम तोड़ा भी नहीं चुआ, इंक्रोचमेंट नहीं किया, ये आपका वॉल में हम लोग का अभी बाई दो बताया ना, उसका जमीन मंगाए गोमिन जितना मंगाए उसको दे दिया, इसे आपका है गोमिन बताया, कहते तो कितना करेगा, कहते करके तो हम लोग कुछ कर नहीं सकेगा, अपना गौर चाहिए ना, कहते करके काम ही कहेगा, गौर नहीं होगा तो, इसलिए गौर चाहिए और सबको जितना कल गौर तोड़ा है सब कंपेंसेट करना पड़ेगा और जल्दी इमीडिएट फैसला करो, फिर से हम गौर शुरू करेगा।